कोरोना का कहर अब तक शहरों तक सीमित था, लेकिन अब धीरे धीरे गांव तक पैर पसारने लगा है। अजमेर के नसीराबाद कस्बे के गांव में एक एक पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। तहसीलदार बुद्धि प्रकाश मीणा ने यह बताया कि ग्राम भवानीखेड़ा निवासी मुंबई से आया था, जिसे होम क्वारंटाइन किया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और जिसके बाद उपखंड अधिकारी के निर्देश पर गांव के मुख्य मार्गों को पूरी तरह से सील कर दिया गया और गांव में सैनिटाइजेशन करवाया गया। वहीं एक पॉजिटिव बागसूरी गांव में मिला, जिसके बाद गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे कर रही है। नसीराबाद विधानसभा में अब जो है कोरोना का जो कोहराम है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने अपने पैर पसारने आरंभ कर दिए हैं। आज नसीराबाद क्षेत्र के दो गांवों के अंदर, अलग अलग गांवों के अंदर एक एक के कोरोना पॉजिटिव मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब जो है दहशत का माहौल हो गया है। नसीराबाद क्षेत्र के भवानीखेड़ा और एक ग्राम बागसूरी के अंदर एक एक कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आपको बता दें कि साफ तौर से जो है, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, खासतौर से बम्बई से जो लोग आ रहे हैं, वो लोग कोरोना पॉजिटिव की उनकी रिपोर्टें आ रही हैं और इसी के चलते नसीराबाद तहसील प्रशासन, उपखंड प्रशासन पूरा गांव पहुंच चुका है और यहां पर गांव को पूरी तरह से सील करने की तैयारी में जुटा है। हमारे साथ में नसीराबाद तहसीलदार मौजूद हैं, बुद्धि प्रकाश मीणा जी, उनसे थोड़ी जानकारी चाहेंगे। साहब, आपका इवेंट टीवी में स्वागत है। ग्राम भवानीखेड़ा में किस किस क्षेत्र में आप जो है कर्फ्यू लगा रहे हैं और क्या पूरी जानकारी आप दर्शकों को बताएं प्लीज़। भवानीखेड़ा में जो राजवीर सनो मोहनलाल जांगिड़े, ये बॉम्बे से आया था अपने 13/5 को, तो इसकी जैसे ही रिपोर्ट हमें मिली कि पॉजिटिव है, तो हमने तुरंत यहाँ सील करने की तैयारी कर दी है और हमने जगह भी चिन्हित कर ली है। इसमें क्या नाम से हमने दूता सिंह और सुहास सिंह पानी की टंकी है, ये अपने सरस्टेरी शिवम जनरल स्टोर, ये एरिया बीच में लगभग 250 परिवार इसमें रहते हैं, तो इसके बीच में हमने इसको सील करने की वो तैयारी कर ली है और इस बारे में और अभी हम हमारे SDM साहब से भी डिस्कस करके और तत्काल ये कार्रवाई हम चाहते हैं। जो जो एरिया आप सील करोगे साहब, तो उस जगह खाद्य सामग्री का वितरण क्या आपके द्वारा कोई पास जारी किए जाएंगे या फिर खाद्य सामग्री की दुकानें खोली जाएंगी? नहीं, खाद्य सामग्री की नहीं, इनको जैसे इस एरिया में अगर कोई ऐसे है जिनको आवश्यकता होगी, उनको होम डिलीवरी हम करवाएंगे। यहाँ के हमारे BLO द्वारा और भी हमारे कार्मिक रहेंगे, इनके द्वारा हम इनको मौके पे ही सूचना मिली कि सब एक गांव के अंदर और बागसूरी के अंदर भी आया, तो बागसूरी को भी किस तरीके से सील किया जा रहा है? हाँ, इसी तरह से बागसूरी का भी हमें कर रहे हैं, उसको भी हमने चिन्हित कर लिया है और अभी वही SDM साहब से डिस्कस करके हम इसमें और कम्प्लीट उसको करवा देंगे उस एरिया का। बेहद सराहनीय कदम है स्थानीय प्रशासन का कि जो ही कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र में, गाँव में जहाँ पे भी निकल रहे हैं, तुरंत मौके पे पहुँच कर पूरी एक रणनीति बनाकर उसको चिन्हित करके और पूरे गांव को जगह जगह से बंद ब्लॉक किया जा रहा है ताकि ये संक्रमण ज़्यादा ना फैल सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र बालोद के साथ जावेद खान, A1 TV अजमेर।